नंबर फोर में मैं अगर बात करूं, हमारे पास क्या कह रहा है, टू क्वाइंस, ठीक है बेटा, आर टास्क ट्वाइस, ठीक है, दो क्वाइन है, टास्क ट्वाइस करेंगे। मुझे ये बताएं पहले क्वाइन की सैंपल स्पेस कितनी होती है, सिंपल एक क्वाइन हो तो। एक क्वाइन हो तो उसकी सैंपल स्पेस कितनी आएगी? टू तो अब टू है, तो ये टू का स्क्वायर विच इज इक्वल टू फोर। अब टेबल कैसे बनाएंगे, सैंपल स्पेस फोर है ना, तो फोर में क्या करते थे, मैंने कहा था कि इनकी वर्टिकली बनाएंगे। फोर है तो क्या लिखेंगे, टू हेड टू टेल, ऐसे क्या ना बेटा, फिर क्या कर यस सकते, सर, टू का आ गया, फिर क्या करेंगे, वन हेड वन टेल, वन टू वन हेड वन टेल, तो ये आपके तो पास सैंपल स्पेस होगी। ऐसे किया ना, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट हैड अपेयर ऑन द फर्स्ट टास्क, ठीक है। अब फर्स्ट आपके पास, मैं अगर हम इवेंट ए कहूं, ठीक है, ए इवेंट की बात करूं, कि आपके पास वो कह रहा है कि आपके पास क्या अपेयर होना चाहिए, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट हैड अपेयर्स ऑन द फर्स्ट टास्क, ठीक है, कि हेड अपीयर होना चाहिए, तो वो कौन से इवेंट में पहले हेड अपीयर हो रहा है, वो कह रहा है सिर्फ फर्स्ट में, तो फर्स्ट में आपके पास किस, हाँ एक तो ये हेड अपीयर हो रहा और इससे ऊपर वाला है, वो तो उनमें तो दोनों प्लेस पे हेड अपीयर हो रहा है। सर। समझ आ गई, टू क्वाइंस है ना, तो आपके पास इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी हो सकती नो सर। है। उसने ये हमें नहीं कहा कि फर्स्ट क्वाइंट पे हेड अपेयर होगा, उसने कहा कि हाँ हेड अपेयर होना चाहिए, इट मे अपेयर ऑन फर्स्ट एंड इट मे अपेयर ऑन सेकंड। तो अब आपके पास एन एफ ए क्या आ जाएगा बेटा, टू आ जाएगा, ऐसे ही है ना बेटा। अब इवेंट बी की बात करूंगा मैं, बी इवेंट हमारे पास क्या है बच्चे, आपको कह रहा है दूसरा, एंड द सेम फेसेस अपीयर इन टू टास्क। सेम द सेम के क्या मतलब हेड हेड या टेल टेल। है, हाँ तो ये आपको ऑब्वियस है कि ऐसे ही होगा। ये भी आपके पास कितने हैं बेटा, एन एफ बी आपके पास क्या है, विच इज इक्वल टू, ऐसे ही है ना। अच्छा अब आपसे क्या पूछ रहा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी। अब देखिए दोनों के दरमियान एड आ रहा है, ऐसे है कि नहीं है बेटा, दोनों इवेंट के दरमियान एड आ रहा है कि नहीं आ रहा, हाँ बेटा। यस तो मैंने क्या कहा था, जब एंड आएगा तो हमारे पास क्या होंगे कि दोनों इवेंट को मल्टीप्लाई इकट्ठा करेंगे। मल्टीप्लाई करें, तो ये आपके पास इसकी भी 2/4। तो अब आप क्या कहेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है बेटा, विच इज इक्वल टू 2/4 मल्टीप्लाई 2/4, तो क्या आ जाएगा बेटा, 1/4, ऐसे ही है ना, ये टू आ यस सर। जाएगा, ये कैंसिल हो गया, ये टू, ठीक है, तो ये आंसर आ गया। समझ गया बेटा, उसके बाद कौन सा क्वेश्चन है, मुर्दाबाद। हाँ बस सिक्स इसको देख लो बेटा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया। यस सर। अच्छा देखो, सिक्स बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कोई इसमें मसला नहीं है बेटा। देखें वो कह रहा है, टू कार्ड फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 प्लेयर कार्ड, इसका मतलब है एन एफ एस आपके पास क्या है बेटा, 52 है, ऐसे ही है ना। आर ड्रॉन इन सच अ वे दैट ए कार्ड
card that the card is replaced after the first draw. Find the probability of following cards. ठीक है, वो कह रहा है following cases. ठीक है, first card is king. इसका मतलब है पहला क्या होना चाहिए, प्रोबेबिलिटी आपने किसकी निकालनी है बेटा? किंग की. किंग की, तो अब आपके पास अगर मैं बात कर रहा हूँ नंबर ऑफ ए, आपके पास किंग कितने होते हैं बेटा? 4 होते हैं. और अगर मैं बात करूं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है वो आपके पास क्या आ जाएगी? 4/52 आ जाएगी. 52. और दूसरा क्या कह रहा है बेटा? डी इवेंट की, तो क्वींस की बात कर रहा है डी में. ऐसे ही है ना बेटा? और किस चीज का वर्ड यूज हो रहा है? एंड का. तो क्वीन भी आपके पास 4 होती है, तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ डी विच इज इक्वल टू क्या आ रहा है? 4/52. अब दोनों की इकट्ठे करनी है तो क्या होगी? एंड का वर्ड यूज हो रहा है ना बेटा, मल्टीप्लाई करेंगे. हाँ, तो ये आपके पास 4/52 × 4/52, तो 1/1 क्या आ जाएगा? 116 है, क्योंकि इसको काटेंगे 13 आएगा, इसको काटेंगे 13 आएगा, और 13 का स्क्वायर क्या होता है? 116, पर ऊपर 1 आ जाएगा. ऐसे ही है ना बेटा? समझ गया बेटा? ये तो हमने पहला पार्ट किया. दूसरा पार्ट देखते हैं जरा, हमारे पास क्या है दूसरा पार्ट. क्या बोल रहा है कि भाई बोथ कार्ड्स, बोथ द कार्ड्स आर फेस कार्ड. मतलब अब फेस कार्ड कौन कौन से हो सकते हैं? अच्छा, दैट इज किंग क्वीन जैक. इसका मतलब है आपसे तीन की बात कर. अब देखें, मैं कहता हूं कि फेस कार्ड एक आपके पास, इसके कॉम्बिनेशन कितने बन जाएंगे? बस मतलब किंग का किंग के साथ करना चाहिए, ऐसे ही है ना? यानी दोनों इवेंट किंग के होने चाहिए ना, कि पहले खींचो फिर किंग है, दूसरी बार खींचो फिर भी आपके पास क्या आना चाहिए बेटा? किंग आना चाहिए, ऐसे ही है ना बेटा? ये देखे ना, उसने खुद कहा है ना, बोथ द कार्ड्स आर फेस कार्ड. कहने का ये मतलब है कि अगर पहली बार आप खींच रहे हैं ना कार्ड को, फॉर एग्जाम्पल किंग है ना, फेस कार्ड किंग को भी बोलते हैं. ठीक है बेटा, किंग है ना, आप दो इवेंट है, पहले इवेंट पे भी खींचो तो आपके पास क्या आना चाहिए? किंग आना चाहिए ए पे, और इसी तरह बी में भी आपके पास क्या आना चाहिए? किंग आना चाहिए. क्या आना चाहिए बेटा? किंग. अच्छा, अब देखे किंग है तो किंग की प्रोबेबिलिटी आप मैं डायरेक्ट लिखने जगह हूँ, ये क्या होती है? 4/52 होती है, और इसकी भी 4/52. तो ये दोनों को, अगर दोनों इवेंट है ना, तो इन दोनों को हमने क्या करना था? मल्टीप्लाई करना होता है ना, जिस तरह देखे ऊपर मल्टीप्लाई किया तो 1/169 आया था. ऐसे ही है ना? अब जरूरी नहीं है किंग है, ठीक है ना बेटा? अब दूसरा फेस कार्ड क्या हो सकता है? सिमिलरली क्वीन हो सकता है, उसकी भी इसी तरह जिस तरह मैंने ऊपर फाइंड किया क्या आएगी? वो भी 1/169 आएगी. ऐसा है ना बेटा? और तीसरी जैक है, जैक का भी इसी तरह हिसाब होगा, वो भी 1/69 थी. अब देखे इनका आपस में कोई ताल्लुक है तीनों इवेंट का? हाँ बेटा, कोई कनेक्शन है? तो सबकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? प्रोबेबिलिटी देखे फेस कार्ड, अब हमने सबकी एक साथ निकालनी है ना, कलेक्टिव नहीं निकालनी है, ऐसे ही है ना? और ये तीनों इवेंट आपस में क्या है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है कि नहीं है? कोई कंबाइन तो पॉसिबिलिटी नहीं है ना बेटा? यस सर. तो इसलिए हम क्या कहेंगे बेटा, इन सब की प्रोबेबिलिटी को क्या करना चाहिए? ऐड करना चाहिए. समझे बच्चे? क्योंकि वो सिर्फ कहता कि वन फेस कार्ड, तो फिर आप मतलब
किंग को कर लेते, ठीक है, इसका मतलब है उसने सब पार्ट बना दिए, ए आपके पास आ गया, केस बी आ गया, फिर आपके पास सी आ गया, तीनों की अलग अलग प्रोबेबिलिटी आपको पता है, इनकी कंबाइन करनी है तो आपको पता है क्या करना पड़ेगा, इकट्ठे, एंड की बात नहीं है, इनको बोथ की मतलब है, एक की बात करते ना, फेस कार्ड की बात करते तो सिंपली ये देखें हमने ए पार्ट में मल्टीप्लाई किया, बी पार्ट में भी मल्टीप्लाई किया दोनों प्रॉपर्टी, सी में भी मल्टीप्लाई किया, और ये सब फेस कार्ड की बात कर रहे हैं, तो इसलिए हम इन तीनों को क्या कर रहे हैं बेटा, प्लस कर रहे हैं, और प्लस करने के बाद हमारे पास क्या आ गया, 3/160, समझ गया बेटा।